हेलो फ्रेंड, डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश। आज हम सेवेरिक डर्माटाइटिस के बारे में बात करेंगे। मेरे एक व्यूवर्स प्रेम गुप्ता जी का कमेंट था कि आप सर सेवेरिक डर्माटाइटिस पे वीडियो बनाइए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम गुप्ता जी का, ताकि इस वीडियो के माध्यम से, उनके कमेंट्स के माध्यम से और लोगों को भी सेवेरिक डर्माटाइटिस के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेवेरिक डर्माटाइटिस होता क्या है। इसमें सेवेसस ग्लैंड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है। इसके मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया के कारण किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, जिसमें हमारे जो सर होता है उसमें बहुत ज़्यादा रूसी की तरह पपड़ी झड़ने लगती है, उसमें जो खुजाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुजली बहुत ज़्यादा होती है, खुजाने के बाद में नाखूनों में बहुत ज़्यादा पपड़ी टाइप की जम जाती है और उसको खुजाते हैं तो बहुत ज़्यादा सर से नीचे झड़ने लगती है। और इसको रूसी भी बोलते हैं, लेकिन रूसी में जो होता है ना, वो बिखर के जो उसकी पपड़ी जम रही है वो फुकली टाइप की निकलती है, लेकिन ये जमी हुई सेवेरिक डर्माटाइटिस में जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जमी हुई पपड़ी निकलती है, और ये येलो कलर की भी हो सकती है और ये वाइट कलर की भी हो सकती है। तो ये दोनों कलर की हो सकती है, और इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है सेवेरिक डर्माटाइटिस में। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है और खुजाते खुजाते बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। तो इस तरह से ये सेवेरिक डर्माटाइटिस में ये प्रॉब्लम होती है। और ये सर के अलावा आपको सर में तो होती है, यहाँ पीछे साइड में हो जाती है, आगे भी हो जाती है, और ये दाढ़ी में भी, मूंछों में भी, कहीं पर भी ये सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको सर्दियों में देखा जाता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 0 से 6 माह तक के बच्चे होते हैं, उनको, उनमें भी सबसे ज़्यादा सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। उनमें भी बहुत ज़्यादा स्केल में जो पपड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा जम जाती है, और उसको अपन नाखूनों से निकालते हैं या खुजाते हैं ना, तो वो निकलने लगती है। इसका कारण ये होता है कि वो बच्चों को सही डेली नहीं नहलाया जाता, उनको साफ़ सफाई नहीं का ध्यान नहीं किया जाता है। और बड़ों में भी यदि आप कंटिन्यू उसको सर को साफ नहीं रखेंगे, और सर्दियों में ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो व्यक्ति सर्दियों में कम नहाते हैं या सर को कम साफ सफाई रखते हैं, उस कारण भी ये सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए यदि आपको सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम हो या हो रही है, तो आप कंटिन्यू नहाएं और सर को साफ करें, जिसके कारण आपको सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम ना हो। सेवेरिक डर्माटाइटिस में एक अनुवांशिक बीमारी के कारण भी ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। यदि आप किसी को, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, उसके कारण भी यदि आपके पापा में है या फिर उन दादा में है सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम, तो उस कारण से भी ये अनुवांशिक बीमारी के कारण भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। यदि आप तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, तब भी ये सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। ईस्ट इन्फेक्शन के कारण भी ये सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके कई कारण होते हैं, लेकिन यदि आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको 100% सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, इसकी किस तरह से इस सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। तो यदि आपको सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम है, तो एक कीटोकोनाजोल शैम्पू आता है, उसको आप कंटिन्यू करें। और मैं जो एक पिक लगा दे रहा हूँ उस कीटोकोनाजोल की शैम्पू की, उस कंपनी का चाहें तो आप ले सकते हैं। और कई कंपनियों का कीटोकोनाजोल शैम्पू आते हैं, 1% में भी यूज़ कर सकते हैं और 2% में भी। सबसे पहले आप यदि यूज़ कर रहे हैं तो 1% में यूज़ करें, और यदि आपको पूर्णता से उसका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है तो आप 2% भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हफ्ते में आपको डेली कंटिन्यू यूज़ करना है, और दूसरे हफ्ते में आपको एक दिन छोड़ के यूज़ करना है। इसी तरह तीसरे हफ्ते में आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, लास्ट में आपको हफ्ते में 1 बार यूज़ करना है। इस तरह से आप 2 महीने इस शैम्पू का यूज़ कर लेंगे, तो आपको, यदि आपके सर में रूसी है, बहुत ज़्यादा पपड़ी जम रही है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं जिसके कारण, और बहुत ज़्यादा उसमें खुजली चलती है, खुजाते खुजाते उसमें बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, तो आपको सेवेरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम है। आप सेवेरिक डर्माटाइटिस का सारी
बीमारी ख़त्म हो जाएगी और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप सेवरल डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको जो आपके मिलने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, सारे जो रिश्तेदार हैं, उनको भी इस सेवरिक डर्माटाइटिस के बारे में पता चलेगा। अगर यदि उनको ये प्रॉब्लम है तो इस शैम्पू का यूज़ करके वो सारी ये रूसी और सेवरिक डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।